हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री स्किल ट्रेनिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे राशन कार्ड है जो हम लोग डाउनलोड करते थे ईपीडीएस जो एक वेबसाइट है उसे, तो अब भी बहुत सारा उसमें दिक्कत आ रही है कि राशन कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो एक नए वेबसाइट के नाम मैं बताने जा रहा हूँ, वहाँ से आप लोग आसानी से राशन कार्ड अपना डिटेल देख सकते हैं या वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे अगर इस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो। चलिए, मोबाइल में या कोई भी एक या पीसी में या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूँ और देखिए कैसे क्या कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर देना है दोस्तों ईपीडीएस। ठीक, देखिए ये ईपीडीएस मैंने सर्च किया, ईपीडीएस ठीक है, और इसको यहाँ से ओपन कर देना है। ठीक, देखिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से, मैंने बताया था कि आपको कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके पहले वाला वीडियो में बताया था सिम, उसी प्रोसेस से आपको आगे जाना है। ठीक, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जैसे मैं वेस्ट चंपारण में यानी कि पश्चिमी चंपारण में हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। ठीक, ओपन करने के बाद यहाँ शो पे क्लिक कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूरल और अर्बन, रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हैं तो यहाँ से रूरल पे ओके कीजिए यहाँ पे, आ नहीं तो अर्बन में पढ़ते हैं तो यहाँ से अर्बन के लिए ओके कीजिए। ठीक, तो चलिए मैं रूरल के लिए यहाँ से क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक हम लोग चूज कर लेंगे, जैसे ब्लॉक में सिक्टा में आता हूँ। ठीक, तो देखिए यही तो प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग के साथ, तो इसको क्या करना है आपको एक बार फिर से बैक जाना है। ठीक, बैक जाने के बाद यहाँ ओके कीजिए और बैक जाइए, प्रॉब्लम आएगा फिर से इस पर क्लिक करेंगे और फिर से आ जाएंगे सिक्टा पे क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा कभी कभी होगा ऐसे कि ठीक हो जाएगा, तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ में पंचायत आपको चूज कर लेना है। फिर से देखिए एक बार बैक जाना है, ठीक, एक बार और बैग जाएंगे, फिर एक बार और बैग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसको आसानी से आपको खोल लेना है। ठीक, फिर से यहाँ गांव, देखिए दोस्तों अब ये आपका मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि यहाँ से प्रिंट कर सकते थे। देखिए यहाँ से मैं बताया था, जैसे क्लिक किया जाएगा तो यहाँ ये लिखकर और रिपोर्ट अवेलेबल करके आ रहा है और इसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको आसानी से इसको बैक चल जाना है। ठीक, और आपको कैसे प्रिंट करना है ये मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं अपने एक एक कस्टमर का हमको प्रिंट करना है तो मैं निकाल कर यहाँ से प्रिंट कर ले रहा हूँ। ठीक, आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ से मैं खो चुका हूँ अपने कस्टमर का। देखिए यहाँ मुझे ये वाला कहाँ गया, 343 जो है इसको मुझे यहाँ से प्रिंट निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, माउस से क्लिक करके, लेफ्ट बटन क्लिक करके माउस से और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है और एक नया वेबसाइट आपको यहाँ से खोल लेना है, ई फोर्स। ठीक, ऐसे करके लिख लेना है, नहीं तो ई डी पी एस बिहार ऐसे करके यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा आरसी डिटेल, एक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आरसी डिटेल, इसको ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, और जो कॉपी किए हुए थे आपको देखिएगा, सबसे पहले मंथ जून ईयर जो यहाँ रहेगा उसको रहने देंगे, सिर्फ यहाँ पे इंटर एस आर सी नंबर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर लेना है। ठीक, जो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर लेना है, माउस से आप लोग कीजिएगा तो नहीं होगा, और सिंपली यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको यहाँ से टोटल डिटेल निकल जाएगा। देखिएगा ये आ जाएगा प्रियंका कुमारी, रामबा देवी, मोतीलाल शाह ये आ जाएगा, और देखिए ये फीमेल, ये भी फीमेल है और ये मोतीलाल शाह मेल हो गए, और यहाँ से एज दिखा देगा, एक्टिव के मतलब यहाँ से एक्टिव है।
एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ सीडेड, अगर सीडेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये हो गया, मतलब इसमें आधार कार्ड KYC है, और सीडेड नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा तो KYC नहीं है। तो आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो आपको सीधे चला जाना है अपने डीलर के पास, और वहाँ पे उनके फिंगरप्रिंट पे रख कर और वहाँ से आपको सीडेड करा लेना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पश्चिमी चंपारण के और सिकटा के, ठीक। और यहाँ पे जो FPSID जो है, ये आपका क्या है, डीलर का कोड हो गया, ठीक। यहाँ से देखिए यूनिट नंबर ऑफ यूनिट के मतलब 3 आदमी इसमें जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ। और इसके मतलब हुआ है जी, देखिएगा यहाँ पे आपको राइस मिलने वाला है, और यहाँ पे गेहूँ में 6 KG और 9 KG आपको चावल मिलने वाला है, टोटल आपका हो गया कितना, 15 KG, ठीक है। यहाँ से दाल 1 KG मिलने वाला है, ये सब आपको डिटेल यहाँ से टोटल मिल जाएगा। आपको करना क्या है, तो डायरेक्ट कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, और इसको क्या आपको प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप सिंपली अभी राशन कार्ड यहाँ से प्रिंट करके और कस्टमर को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप अभी की ज़रूरत जो होगा यहाँ से पूरा हो जाएगा। हाँ, कभी हो सकता है कि यहाँ जून और 2020 लिखा हुआ है, और यहाँ पेस्ट करने के बाद, सबमिट करने के बाद अगर नहीं आएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके और आपको मई या जुलाई आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। तो आपको सिंपली आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।